नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे अंग्रेजी। 7 दिनों में सभी थानों में जब्त कर रखी स्पिरिट होगी नष्ट। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब इतने प्रकार की दवाएं मिलेंगी मुफ्त में। आज बिहार नगर निकाय चुनाव में 156 निकायों में डाले जाएंगे वोट। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीता। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI ने 54 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न डिसिप्लिन में स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर के कुल मिलाकर 54 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है, जिसमें पदों के अनुसार कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन BE, BTEC, ME, MTEC, PG, CA, MBA, PG, DM की डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज बिहार नगर निकाय चुनाव में 156 निकायों में डाले जाएंगे वोट। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत 156 निकायों में आज सुबह 7 बजे से की जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही वोट डालने के लिए मतदाता को पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी जरूरी होगी। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप अन्य डॉक्यूमेंट लेकर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं। इस बार मतदाता को 3 अलग अलग मतों का प्रयोग करेंगे, पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मतदान के दौरान बूथों से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर का जन्म आज के दिन ही 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। ये भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बड़ा झंडा वाहक माना जाता है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बोलेंगे अंग्रेजी। शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर की तरफ से क्लास 2 से 5 तक के बच्चे में अंग्रेजी की बेहतर समझ को बढ़ाने के लिए एक निर्देश पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि मैरिको लिमिटेड लिप फॉर वर्ड संस्था के द्वारा 2022-23 में वर्ड पावर चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा में कई लेवल होंगे, जिसमें से पहला लेवल क्लस्टर का होगा, दूसरा लेवल ब्लॉक लेवल होगा, वहीं तीसरा लेवल डिवीजन लेवल होगा। जानकारी के लिए बता दें क्लस्टर लेवल से कंपटीशन की शुरुआत अगले जनवरी माह में शुरू हो जाएगी। त्रिमोहिनी संगम इस वजह से है बेहद खास। त्रिमोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गांव के निकट स्थित नदियों का संगम है। यहां प्रमुख रूप से कोसी का गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। ऐसी मान्यता है कि त्रिमोहिनी संगम तट पर डूबने से किसी की मौत नहीं हुई है। संगम स्थल पर डूबने व नाव दुर्घटना की कई घटनाएं हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना होने की स्थिति में भी या तो नदी में डूबे लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे हैं या उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है।
बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब इतने प्रकार की दवाएं मिलेंगी मुफ्त में। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में मौजूद सरकारी अस्पतालों के लिए नया नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके तहत अब वैसे मरीज जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और दवाइयां बाहर से लेते हैं, उन्हें अब दवाइयां अस्पतालों में ही मुफ्त में मिल जाएगी। बता दें कि नई नई बीमारियां सामने आने के बाद सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में ओपीडी, आईआर, आईपीडी में कुल 611 प्रकार की दवाइयां लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से अभी लोगों को दवाइयां बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए साल से ट्रेनों में मिलेगा दही चूड़ा और मिलेट बिरयानी। भारतीय रेलवे के द्वारा हमेशा यह कोशिश की जाती है कि वे अपने यात्रियों के लिए नई नई सुविधा लाते रहें। इसी कड़ी में एक बार फिर रेलवे के द्वारा अपने यात्रियों को नए साल का तोहफा दिया गया है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में यात्रियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्रीय भोजन दही चूड़ा और लिट्टी चोखा परोसा जाएगा। इसके साथ ही IRCTC के द्वारा अपने यात्रियों के सेहत को ध्यान रखते हुए मिलेट यानी की बाजरे की बिरयानी परोसने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं वैसे यात्री जो वेज है उनके लिए मिलेट बिरयानी के साथ रायता दिया जाएगा, वहीं मांसाहारी यात्रियों को चिकन मिलेट बिरयानी के साथ रायता दिया जाएगा। इसकी जानकारी IRCTC पटना के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार के द्वारा दी गई है। देविना और गुरमीत ने अपने दोनों बेटियों के साथ नए आसियाने में किया गृह प्रवेश। राम और सीता के रूप में फेमस टीवी स्टार गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देविना बनर्जी अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ नए घर में शिफ्ट हुए हैं। बता दें कि हाल ही में इनके घर का गृह प्रवेश हुआ है, जिसका वीडियो देविना बनर्जी के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में देविना ने अपने नए घर में गृह प्रवेश की झलकियां दिखाई है। वहीं इस वीडियो के शुरुआत में देविना के द्वारा यह भी बताया गया है कि दोनों बच्चियों के साथ उन्हें नए घर में शिफ्टिंग होने में थोड़ी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि काफी समय भी लग रहा है, जिस वजह से वह धीरे धीरे शिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में गुरमीत चौधरी अपने नए घर में पूजा करते नजर आ रहे हैं। सात दिनों में सभी थानों में जब्त कर रखी स्प्रिट होगी नष्ट। बिहार में हुए शराब त्रासदी को देखते हुए मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि वे सभी स्प्रिट जिन्हें जांच के दौरान जब्त करके पुलिस और उत्पाद थानों में रखा गया था उसे एक सप्ताह के अंदर नष्ट कर दिया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब स्प्रिट को नष्ट किया जाए उस समय इस पूरे क्रियाकलाप का वीडियो भी बनाया जाए और इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए। बता दें कि के पाठक के द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि दंडाधिकारियों की टीम गठित कर मालखाने में मौजूद जब्त स्पिरिट के सैंपल को 48 घंटे के अंदर विभाग के केंद्रीय लैब में भेजी जाए। तेज पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ाई ठंड। बर्फीले प्रभाव से राज्य भर में पछुआ और उत्तरी पछुआ के प्रवाह बने रहने से तापमान में गिरावट जारी है। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही पछुआ से दूसरे दिन भी राज्य के अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के दक्षिण भाग में कनकनी बढ़ी है तो वहीं उत्तरी भाग में हवा का प्रभाव कम होने से ठंड थोड़ी कम है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं आने वाले दो दिन में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसमविदों का अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों की कमी, CAG रिपोर्ट से सामने आई सच्चाई। एक तरफ जहां बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं तो वहीं अब दूसरी ओर CAG रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है कि राज्य की सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है और यही वजह है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक और कर्मियों की 50% सीट खाली है। बता दें कि जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों को दूसरे संस्थानों से जोड़कर शुरू कराया गया था। वहां कुल सीट 4,560 है, जबकि उसमें 2,784 सीटें ऐसी हैं जो अभी भी रिक्त है, यानी कि आंकड़े के अनुसार कुल 61% सीटें ऐसी रह गई जिस पर नामांकन नहीं किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों की कितनी कमी है। 19 से 21 दिसंबर के बीच यहां मुफ्त में दिखाई जाएंगी 12 फिल्में। बिहार की राजधानी पटना के कालिदास रंगालय में 19 दिसंबर से 13वां पटना फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जो कि 21 दिसंबर तक चलेगी। बता दें कि इस दौरान कालिदास रंगालय में लोगों को कुल 12 फिल्में मुफ्त में दिखाई जाएंगी, जिसमें कि सबसे आखिरी फिल्म मंटो की साइकिल दिखाई जाएंगी। बताते चले कि इस फिल्मोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन हिंदी के वरिष्ठ कवि और IIT हैदराबाद में प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लालटू के द्वारा की जाएगी। वहीं इस आयोजन के दौरान पहले दिन साहित्यिक कृतियों के आधार पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर ECR का एक्शन।
वैसे पुरुष जो ट्रेन में महिलाओं के रिजर्व बोगी पर बैठ जाते हैं, रेलवे के द्वारा ऐसे पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसी क्रम में रेलवे के द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक महिला बोगियों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 525 पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया। वहीं इन सभी पुरुषों से जुर्माने के रूप में 1,16,480 रुपए वसूले गए। बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा कहा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लेडीज कंपार्टमेंट में यात्रा करने वाले पुरुष के खिलाफ यह अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक अभियान अब चैन पुलिंग करने वालों के लिए भी चलाया जाएगा। ई चलान में पाया गया बड़ा फर्जीवाड़ा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार खनन विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को 355 करोड़ रुपए की चपत लगी है, और साथ ही मोटरसाइकिल, ऑटो, रिक्शा और कारों को कथित तौर पर विभिन्न घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वहीं रिपोर्ट के सामने आने के बाद महालेखाकार राम अवतार शर्मा के द्वारा कहा गया है कि 2020-21 के लिए खनिज राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रियाओं की जांच की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चलान की जांच में कुल 46,935 फर्जी पाए गए हैं, यानी कि कुल ई चलान के 64% फर्जी हैं। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रशासन की बैठक। पटना सिटी के तख्त हरिमंदिर गुरुद्वारा में 28 दिसंबर को होने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर प्रशासनिक बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो, थाना अध्यक्ष पटना सिटी SDO और सभी विभाग के पदाधिकारी तथा प्रबंधक कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। इस बैठक में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश महोत्सव पर्व में की जाने वाली व्यवस्था पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बिहार शराब कांड में उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से लगभग 70 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से 16 दिसंबर को भाकपा माले विधायकों का एक दल सारण पहुंचा। उन्होंने शराब माफियाओं के राजनीतिक संरचकों का निशाना बनाया है। दरअसल भाकपा माले शुरू से ही शराबबंदी कानून के समर्थन में है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि सारण, सिवान जैसे आदि जगहों पर जहरीली शराब से हुई मौत पर संवेदनशील रुख को अपनाए और उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन करे। महागठबंधन में आने के बाद पहली बार हुआ तेजस्वी यादव और अमित शाह का आमना सामना। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में नीतीश कुमार से जुड़ने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव और अमित शाह आमने सामने आए। बता दें कि यह बैठक कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल सचिवालय में आयोजित की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। हालांकि पहले इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले थे, लेकिन बाद में उनके स्थान पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां उनका स्वागत अमित शाह के द्वारा हाथ मिलाकर किया गया। शराब कांड से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को पप्पू यादव ने दी सांत्वना। जहरीली शराब पीने से छपरा के बहडौली गांव में दर्जन भर लोगों की मौत हुई है। इस पर पप्पू यादव ने मृतक के परिवार जनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया है। पप्पू यादव ने इस घटना को बेहद दुख बताया है और मृतक के परिवार जनों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक प्रशासन ने संदिग्ध पदार्थ पीने की वजह से 67 मौतों की पुष्टि की है। विजय सिन्हा का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खुली चुनौती। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने खुद पर लगे शराब रखने के आरोप को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया है और साथ ही उन्हें खुली चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में मेरा नाम लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने मेरी छवि खराब की है। उन्होंने जो भी बयान दिया है वह बिना सत्य की जानकारी के लिए है। यह तथ्यहीन बयान दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है और अगर हमने गलती किया है तो हमें हमारी गलती के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र, शकील अहमद तीनों नेता मेरे से माफी मांगे और अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उन पर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। भारतीय टीम ने रचा इतिहास। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीता। बीते दिन उत्साह से भरी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर 120 रन से जीत हासिल की और अपने नाम यह खिताब जीतने का हैट्रिक पूरा किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सुनील रमेश के द्वारा 136 रन की नाबाद पारी खेली गई। वहीं अजय कुमार रेड्डी के द्वारा 100 के शतकों की बदौलत 277 रन बनाए गए। इसके जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से
नवाजे गए सुनील ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरा शतक जड़ते हुए 63 गेंदों पर 24 चौकों और एक छक्के की मदद से 136 रन बनाए, जबकि कप्तान अजय ने 50 गेंदों पर 18 चौकों की बदौलत 100 रन की पारी खेली। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी टीम तो इंडिया 2012 और 2017 में यह खिताब जीत चुकी है। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। उद्योगपति विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। राजधानी दिल्ली में 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। सनी के उपग्रह एपी मैथिलिस की 1966 में खोज हुई। सचिन तेंदुलकर ने 1979 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न हुआ। राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 2017 में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण पदक। अज्ञात विमान ने 1995 में पश्चिम बंगाल के परुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण हुआ। सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का 2014 में सफल परीक्षण हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का निधन 1980 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे PLA के मांग के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे PLA के मांग के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PLA ने 63 चीनी सैनिकों को मुक्त करने के लिए यांगत्से में एक तरफा संघर्ष विराम की मांग की। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस समाचार रिपोर्ट में किए जा रहे दावे और घटनाओं का उल्लेख नकली है। GST परिषद ने कुछ गड़बड़ियों को अपराध की कैटेगरी से किया बाहर। बीते दिन शनिवार को दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 48वीं बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है, जिसमें एजेंडे के 15 में से 8 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से 2 मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी था लेकिन उस पर चर्चा नहीं किया जा सका। बता दें कि वे 2 मुद्दे जिस पर चर्चा नहीं किए जा सके वह तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान और GST ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित है। इसके अलावा इस बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा ट्वीट किया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती एन सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अवतार द वे ऑफ वाटर की जोरदार शुरुआत, जानी कलेक्शन। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की जोरदार शुरुआत हुई है। बता दें कि फिल्म रिलीज होने के साथ ही खूब ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस फिल्म का जोरदार कलेक्शन भी हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को बनाने के लिए बजट $250 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए है। वहीं अगर फिल्म की पहले दिन की कमाई की बात की जाए तो इसके पहले दिन की कमाई 38 करोड़ रुपए की रही है। अवतार का पहला पार्ट 2009 में रिलीज किया गया था। वहीं आने वाले साल 2028 तक इस फिल्म के कुल 5 पार्ट रिलीज किए जाएंगे। ऐसे इंस्टाग्राम के नए प्लेटफॉर्म से यूजर्स कर सकेंगे हैक हुए अकाउंट को फिर से हासिल। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी ने मेटा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम instagram.com हैक्ड रखा गया है, जिसके तहत अब यूजर्स हैक हुए अपने अकाउंट को फिर से हासिल कर सकेंगे। अगर आप भी अपने हैक इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से वापस पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप ब्राउजर पर instagram.com हैक्ड एंटर करना होगा। इसके बाद आप वहां उपलब्ध सूची में से अपने अनुसार और अपनी दिक्कतों के अनुसार विकल्प का चयन करना होगा, जिसके बाद आप नए प्लेटफॉर्म पर कई चरणों का पालन करते वे अपने खोए अकाउंट को फिर से प्राप्त करने में सहायता पा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एक से अधिक खाते हैं तो यहां आप यह चुनने में भी सक्षम होंगे कि किस खाते को कंपनी के सपोर्ट की आवश्यकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, के सिन्हा, जगन्नाथ महतो, अखिलेश यादव, शिव कुमार, गोनर शर्मा, रजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, अंजना मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, कविता कुमारी, बाबूलाल मरांडी, मनोज राम, मुट्टू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बांग्लादेश के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच में भारत के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।